हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा दसवीं विषय विज्ञान का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा दसवीं विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक एवं गणित विषय का सेट ए और सेट डी सभी विषय के कक्षा दसवीं के उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में विषय विज्ञान का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से एक अभिक्रिया दी गई है। आपको बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। डी नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है द्रव है? तो कौन सी अधातु द्रव है? ब्रोमीन। सी नंबर का ऑप्शन जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? राइजोपस द्वारा किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन जो है चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न छः इस प्रकार से दिया गया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीता तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसके बाद सातवां प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किए जाने वाला लेंस है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ए नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो क्या होता है? ओम होता है। सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ियां बनाइए, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाओ। 8 अंक में पूछी गई हैं, स्तंभ आ और स्तंभ बा दिए गए हैं, सभी धातुएं। पहला दिया गया सभी धातुएं, तो सभी धातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। आपको जो है डी नंबर के ऑप्शन से मिला देना है। दूसरा है, ब्रक की इकाई तो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, तो है जो आपको जी नंबर से मिलाना है दूसरे का आंसर। तीसरा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका जो आंसर होगा आपको एफ नंबर से मिलाना है, कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरुरज्जु। चौथा है यहाँ पर, परपरागण, तो इसका आंसर जो होता है कीट द्वारा होता है, ए नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। पांचवा है डीएनए, तो इसका जो आंसर होगा आपको एच नंबर से मिलाना है, अनुवांशिक पदार्थ। इसके बाद जो है प्रश्न 6 इस प्रकार से दिया गया, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? यहाँ पर बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, बी नंबर से मिलाना है। सातवां है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो यह क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। आठवां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो ये किसने दिया था? फेराडे ने दिया था, ई नंबर से मिलाना है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनके आंसर जो है आपको लिखित रूप में एक साथ बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इस प्रकार से सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए, इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद आपको प्रश्न 5 से क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से कुल 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम सभी 22 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आपको उत्तर बताए जाएंगे। सबसे पहले जो है आप प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न 1 में सही विकल्प पूछे गए थे, इस प्रकार से 8 प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो में इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो इस प्रकार से इनके सामने जो है उत्तर दिए गए। इस प्रकार से आपको वार्षिक पेपर में अर्थात बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इस प्रकार से लिखना है और आपको इस प्रकार से सही जोड़ियां बनाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो में जो सही जोड़ियां पूछी गई थी इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक तीन में जो है आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। पहले का आंसर ऊष्माक्षेपी होगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा अम्लीय प्रकृति के, तीसरे खालिस्तान का उत्तर लैंगिक जनन होगा, चौथे का जो उत्तर होगा कम होगा, पांचवें का उत्तर बोल्ट होगा, छठवें का उत्तर जो होगा प्रतिच्छेद होगा, सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा 10% होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चार में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा लवण एवं जल होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर पारा होगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा लाइपेज होगा, चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा इंसुलिन होगा और पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा परागण होगा, छठवें प्रश्न का उत्तर 1/f = 1/v + 1/u होगा और सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा v = ir होगा। इस प्रकार से प्रश्न चार के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न पांच से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के सभी सेट चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न पांच इस प्रकार से पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न पांच का उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उदाहरण भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर लिखेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक छह इस प्रकार से पूछा गया, भर्जन से आप क्या समझते हैं या भर्जन किसे कहते हैं। इस प्रकार से भर्जन की परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक छह के उत्तर में आपको अच्छे से लिख लेना है, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक सात का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न सात का जो अथवा प्रश्न पूछा गया है कि संरचनात्मक समवयवता से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से उत्तर होगा प्रश्न सात के अथवा वाले प्रश्न का। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी को इसका फुल सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक आठ का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। इस प्रकार से उस उत्पाद का आपको नाम बताना है, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक आठ के अथवा वाले प्रश्न का। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी सभी चार सेटों में से आपसे जो है वार्षिक पेपर में अर्थात बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो है कम से कम 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं सेटों में से पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी सेट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं सभी सेटों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का उत्तर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस सेट का किस विषय का सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से पूछा गया है कि कोई डॉक्टर इस प्रकार से यहाँ पर धनात्मक 1.5 डायोप्टर का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उत्तर होगा आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में जो है अपवर्तनांक की परिभाषा पूछी गई और इसका सूत्र पूछा गया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का उत्तर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 13 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि फ्यूज वायर या वायर को हम तार भी कहते हैं, तो फ्यूज वायर या फ्यूज तार किस प्रकार जो है विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 14 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से पूछा गया कि दृष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का उत्तर होगा, दृष्ट धारा के स्रोत हो जाएंगे। इस प्रकार से 3 स्रोतों के नाम लिखना है, तो दृष्ट धारा जनित्र हो जाएगा, रासायनिक विद्युत सेल या बैटरी होगी, इसके बाद सौर विद्युत सेल आदि हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 15 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, अम्ल वर्षा कैसे होती है या अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला पूछा गया है संचारण, दूसरा पूछा गया है विकृत गंधीता, तो इन दोनों के हम आंसर देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संचारण और विकृत गंधीता। इस प्रकार से इनके उदाहरण भी आपको लिखना है, तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 इस प्रकार से पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका, इसी को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 में आपको इस चित्र को अच्छे से बनाकर देख लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर चित्र दिया गया है तंत्रिका कोशिका। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से पूछा गया है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से प्रश्न 19 में आपको इस मानव चित्र का या मानव नेत्र का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको बना लेना है, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर मानव नेत्र का नामांकित चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि पदार्थ और लिटमस पत्र पर प्रभाव किस प्रकार से होगा। यदि आप इनकी क्रियाओं का इस प्रकार से लिटमस पत्र पर प्रभाव करेंगे तो किस प्रकार से प्रभाव होगा इन पदार्थों का। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का उत्तर हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 20 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 21 का उत्तर होगा, इस प्रकार से आपको तालिका बनाना है। हाइड्रोकार्बन मैथेन, एथेन, एथीन, एथाइन और सूत्र दिए गए हैं और संरचना सूत्र। इस प्रकार से प्रश्न 21 का उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 पूछा गया है कि जाइलम एवं फ्लोएम में जो है 4 अंतर आपको लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न 22 का उत्तर हो जाएगा, आपको इन चारों अंतर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।